नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि पर्व के बारे में। हिंदू धर्म के लोगों के लिए माता रानी की भक्ति करने का यह विशेष पर्व आने ही वाला है। नवरात्रि के पर्व का माता रानी के भक्तों के दिलों में विशेष स्थान है। नवरात्रि की इन 9 रातों में 3 देवियों यानी महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल के 4 नवरात्रि में से चैत्र और शरद नवरात्रि का विशेष स्थान है। इस वर्ष शरद नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है और इसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 3:22 से होगी। प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि का पहला दिन, इसी दिन कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना करने के लिए भी एक विशेष मुहूर्त होता है। कोशिश करें कि उस विशेष मुहूर्त में ही आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने की पूरी विधि की एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आप उस वीडियो को देखकर पूरी विधि जान सकते हैं। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:11 से शुरू होगा और 7:51 तक रहेगा। कोशिश करें कि आप इसी समय के बीच कलश स्थापना करें और अगर किसी कारणवश आप इस समय के बीच कलश स्थापना ना कर पाएं तो इसके लिए एक और मुहूर्त होता है, वो है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत सुबह 11:49 से होगी और 12:37 तक यह मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना करने के साथ साथ आपको अखंड ज्योति भी जलानी होती है। जिस समय आप कलश स्थापना करते हैं उसी समय अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति जलाने का मतलब होता है कि आपने खुद को माता रानी की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक माता रानी के सामने बिना किसी रुकावट के जलनी चाहिए। साथ ही अगर आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो खास ख्याल रखें कि अखंड ज्योति को शुद्ध देसी घी में जलाया जाता है। अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध ना हो तो आप शुद्ध सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक बात का और खास ख्याल रखें कि जिस भी पात्र में आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं वह खंडित नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वह मिट्टी का पात्र हो या फिर पीतल का पात्र। अखंड ज्योति से संबंधित भी पहले से एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो अगर आप अखंड ज्योति के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।